हाय गाइस, मैं हूं माधवी। वेलकम बैक टू मदर चैनल। अलग अंदाज में, अलग स्वाद के साथ इस बारिश के मौसम में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये न्यू रेसिपी। वो है ब्रेड मेदुवड़ा। इस रेसिपी को आज हम बचे हुए ब्रेड से, यानी कि लेफ्ट ओवर ब्रेड से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल। इसके अंदर हम डालेंगे बचे हुए ब्रेड और सैंडविच बनाने के बाद जो साइड्स का कटिंग बच जाता है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। फिर इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट के तैयार कर लेंगे। इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं, नहीं तो सीजर की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप चॉप्ड ऑनियन, 3/4 कप दही, 1/4 कप सूजी, 1/2 कप राइस पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, जिंजर पेस्ट 1 टीस्पून, साल्ट 1/2 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स और हरी मिर्च। सब कुछ डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून पानी। फिर इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डो बनके तैयार है। नेक्स्ट हम दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अब थोड़ा सा डो को हाथों में ले, फिर अच्छी तरह से गोला बना ले। फिर गोला को इस तरह फ्लैट करके वड़ा का शेप दे और उंगली का मदद से इस तरह बीच में छेद बना ले। अब ये देखिए कितना सुंदर सा वड़ा का शेप बन गया है। और इसी तरह जितना चाहिए उतना बना ले। अब चलते हैं डीप फ्राई करने के लिए। यहाँ पे डीप फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रख के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। नीचे से हल्का सा फ्राई होने के बाद इसे धीरे से पलटे। फिर इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अब फ्राई हो गया है, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकियों को भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब तो हमारा यूनिक ब्रेड मेदुवड़ा पूरी तरह से रेडी है। इन्हें गरम गरम टमाटर केचप के साथ सर्व करें और इस तरह बचा हुआ ब्रेड को बारिश के मौसम में स्नैक्स बनाइए, एंजॉय करें। आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।